जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, 9 नवंबर सोमवार का दिन, मघा नक्षत्र ब्रह्म योग में आपकी राशि तुला पर सूर्य और केतु का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है। तुला राशि वालों, आज का दिन सूर्य और केतु से बड़ी सफलता, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला मघा नक्षत्र ब्रह्म योग में सूर्य और केतु आपके भाग्य को चमकाएगा। अति उत्साही, भाग्यशाली, कर्म में विश्वास करने वाला कर्म योगी, स्त्री का सुख भोगने वाला, धन कमाने की इच्छा, जीवन में हर संघर्ष में सफलता अर्जित करने वाला सुंदर शुभ योग। मघा नक्षत्र में तुला राशि का भाग्य चमकता है। मघा नक्षत्र में तुला राशि की किस्मत चमकती है। बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता, भाग्य में धन संपत्ति। तुला राशि वालों, आज सूर्य और केतु आपकी राशि तुला पर बहुत प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण आज आप थोड़ा सा भी लापरवाही ना करें। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु की छाया है, केतु का प्रभाव है। आज बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। आज थोड़ा सा भी लापरवाही ना करें। अपने जोश, अपने साहस, अपने परिश्रम से अपने काम को करते जाएं। ये सोचें कि आज आपके हाथ से गलती ना हो, क्योंकि आज आपकी राशि तुला पर बहुत सुंदर योग बन रहा है। ब्रह्म योग में सूर्य और केतु तुला राशि के भाग्य में बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। ऐसे समय में तुला राशि वालों को अच्छा मुनाफा होता है, लाभ होता है, सफलता और कामयाबी प्राप्त होती है। तुला राशि वालों, आज आपके जीवन में बड़ा शुभ योग बन रहा है, जो आपके भाग्य को बदलेगा, आपके जीवन में तरक्की का योग बनाएगा। तुला राशि वालों, मघा नक्षत्र में आप अपने भाग्य से उन्नति और तरक्की प्राप्त करते हैं। आने वाला समय आपका शुभ है। आप धन भी कमाएंगे, सफलता भी पाएंगे। अपने मेहनत से अपने जीवन में सुख और धन की प्राप्ति करेंगे। आपका भाग्य, आपका सौभाग्य अच्छा है। जीवन की उतार चढ़ाव से दूर आज उन्नति और तरक्की वाला दिन है। तो सोमवार का दिन तुला राशि के लिए अति शुभ है। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशि फल जानने से पहले चलिए हम जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा, आज का पंचांग। तुला राशि वालों, 9 नवंबर सोमवार का दिन, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, मघा नक्षत्र ब्रह्म योग, आपकी राशि तुला पर सूर्य और केतु का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि। आज का शुभ मुहूर्त 1:53 से 8:43 तक का। आज का राहु काल सुबह 8:01 से 9:22 तक। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। तुला राशि वालों, आज मघा नक्षत्र है, ब्रह्म योग है, सूर्य और केतु का प्रभाव है, नौमी तिथि है, कृष्ण पक्ष का समय है, राहु की छाया है, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है। दिन की शुरुआत पूरब दिशा की तरफ से ना करें। आपके लिए लक्की कलर पिंक होगा, आपका लक्की नंबर 1 होगा। तुला राशि वालों, मघा नक्षत्र में आपका भाग्य चमकता है। मघा नक्षत्र में लक्ष्मी की कृपा बनती है और मघा नक्षत्र में ही आपको
प्यार मिलता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। मनोरथ पूरा करने वाला, कार्य सिद्धि करने वाला मघा नक्षत्र आपके जीवन में पूर्ण सुख देगा। मघा नक्षत्र में धन धान से परिपूर्ण आपका जीवन होगा, भाग्यशाली, कामयाबी और आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, जो आपको लोकप्रिय बनाएगा। आप स्त्री और धन का सुख भोगेंगे। प्यार, पैसा, परिवार, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, हर जगह आप बुलंदी पर रहेंगे। आज आपका उत्साह, आपका जोश बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य के कारण आपके जीवन में एनर्जी लेवल बहुत ऊपर होगा। आज उन्नति तरक्की भरा दिन है। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में शुभ काम आपके हाथों से होगा। आज आप प्यार के सुख का आनंद भी लेंगे, धन भी कमाएंगे, संपत्ति का भी सुख मिलेगा, परिवार में बहुत खुशहाली होगी। तुला राशि वालों, आज केतु का प्रभाव है, राहु की छाया है, इसलिए जल्दीबाजी में किसी भी काम को ना करें। उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा अगर सोच समझकर काम करेंगे। जीवन में बेहतरी के रास्ते खुलेंगे, मेहनत का परिणाम मिलेगा, खुशियों भरा दिन होगा। कोई नया काम आप अगर करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है। पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे, नए लक्ष्य का निर्धारण आप करेंगे और अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। अच्छे समाचार, सुख शांति आज आपके मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जीवन की परेशानी दूर होगी। ये समय आप उन्नति और तरक्की करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मेहनत से काम करें। अपने मजबूत इरादा शक्ति आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। पूरी निष्ठा से, पूरे जोश से अपने काम को करते जाएं, अपने कर्म पर विश्वास रखें। आपके जीवन में उन्नति की नई संभावना बन रही है। नई ऊर्जा आपको उत्साहित करेगा। परिवार में सुख शांति स्नेह बनेगा और आज आपकी छवि समाज में निखर कर सामने आएगा। आज आपकी जीत होगी, हर मुश्किल पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आज अपनी पहचान बनाएंगे, साथ ही साथ सुख में वृद्धि, धन कमाने का योग, उत्साह और जोश आपके भाग्य को बदलेगा, आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तुला राशि वालों, आज सूर्य और केतु का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है, ब्रह्म योग है, मघा नक्षत्र है। आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आरती कार्य सिद्धि सफलता देगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आपके जीवन में धन संपत्ति का सुख देगा। हनुमान जी का आशीर्वाद हर संकट से मुक्ति देगा और आपके जीवन में सौभाग्य को जगाएगा। संकट मोचन कृपा निधान, संकट से रक्षा करने वाले वीर हनुमान आपके भाग्य को बदलेंगे, आपके जीवन में तरक्की और उन्नति देंगे। तुला राशि वालों, आज का दिन मघा नक्षत्र आपके भाग्य को बदलेगा। अपने काम को आप जिम्मेवारी से निभाएंगे। जीवन साथी से प्यार बढ़ेगा, जीवन साथी पर विश्वास बढ़ेगा। बच्चों की उन्नति, घर की खुशहाली, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा, मंगलमय रहेगा। ये समय किसी भी लापरवाही को न बरतें, मेहनत करें, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपके जीवन में सुख और धन बढ़ेगा। तो अपने काम को मेहनत और जोश से करते जाएं। तुला राशि वालों, ये समय बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला है। तो आज के राशिफल में आपकी राशि तुला पर सूर्य और केतु का प्रभाव
आपके भाग्य को बदल रहा है, आपकी किस्मत को चमका रहा है। इसलिए थोड़ा सा भी लापरवाही ना करें, अपने काम को करते जाएं, सुख मिलेगा, धन मिलेगा। तुला राशि वालों, राशिफल जानने के बाद कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम अवश्य लिखें। बड़ी खुशियां, बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राशिफल को लाइक करना ना भूलें। तो तुला राशि वालों, आज मघा नक्षत्र ब्रह्मयोग में सूर्य, केतु, राहु, मंगल और बृहस्पति भाग्य को बदलेगा, किस्मत को चमकाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान।